बजाहां जैसा तीन दिन की तरफ तक कोई हमारी सुनाई नहीं बेटा नहीं सुनाई करते नहीं। हिसार में आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की प्रदेश स्तरीय हड़ताल आज 10वें दिन में प्रवेश कर गई। धरने में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2 मार्च को वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के क्षेत्र में रोष प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हिसार सिरसा जिंद जिला की वर्कर एवं हेल्पर शामिल होगी। ऐसा जी हमारी 20 तारीख से पहले 10 दिन तो वैसे ही धरना चला, पूरे हरियाणा के अंदर वैसे ही धरने चले हुए। 20 तारीख के बाद लगातार हर 3 दिन के बाद हड़ताल बढ़ा दी जाती है और ये हमारी 2 मार्च तक हड़ताल हमारी यूनियन का फैसला है बढ़ा दिया है। इसमें मुख्य जो मांग हमारी है वो एक तो 10 मार्च 2018 को हरियाणा सरकार के साथ जो समझौता हुआ था जिसमें न्यूनतम वेतन की बढ़ोतरी का सवाल था और अकुशल कुशल मजदूर इनको मानने का सवाल था, इनका प्रोविडेंट फंड कटे वो एक सवाल था और 65 साल में जब ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रिटायर होती हैं तो एक मुश्त इनको कुछ लाख 2 लाख सरकार के हम घोषणा करेंगे, बाकायदा लिखित में समझौता है। उस नई हमारी कोई डिमांड नहीं है, नई कोई मांग नहीं है, ना कोई आचार संहिता, चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी तो भी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि आचार संहिता इसके ऊपर लागू नहीं होगी। समझौता हुआ उसको लागू कर दे सरकार, एक तो इसके साथ ही है। एक है जो केंद्र की सरकार है 2018 सितंबर के महीने में मोदी जी ने घोषणा की थी 1500 रुपये वर्कर के लिए और 750 रुपये हेल्पर के लिए, उसके लिए भी आज तक सरकार ने घोषणा की है। उसका जो बजट है असल में 4269 करोड़ रुपये चाहिए, सरकार ने 1944 करोड़ रुपये है। उस बजट के उस हिसाब से भी अगर मोदी ने जो घोषणा की है तो वो बजट कहीं फिट नहीं बैठता है, तो वो कम से कम बजट का प्रावधान करके इनको लागू उसको किया जाए जो घोषणा की, खाली ये घोषणा रहे, नई हमारी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ इस बात के लिए बैठे। अब हमें पूरे स्टेट की यूनियन का हमारा निर्णय हुआ है कि कल 2 मार्च को ये जो हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, जींद है, भिवानी है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ कैप्टन अभिमन्यु जी के खंडा खेड़ी नारायणों में जाएंगे, उसके आवास का घेराव करेंगे। इसी प्रकार से करनाल का जो इलाका है 4-5 डिस्ट्रिक्ट वहाँ जाएंगे। इसी प्रकार से फरीदाबाद, पलवल, मेवात का इलाका है गुड़गांव के, ये दिल्ली हरियाणा भवन पर जाएंगे। इसी प्रकार से झज्जर रोहतक सोनीपत धनखड़ जी के यहाँ आवास का घेराव करेंगे। ये हमारी यूनियन का कार्यक्रम है आगे का। हमारी पक्की हड़ताल है, सेंटर बंद है, हमारी पलड़ी मांगों को लागू करवाने के लिए हमारी कोई नई मांग कोई नहीं। तो मैं कहूँ कि सा जूठा भारत का प्रधानमंत्री झूठ के चट नाला, औरत भी इसे काम को नहीं करती, मैं भी जो वायदा कर दू नहीं, नुए सोचू मेरी वर्कर हेल्पर का पूरा करूँ। हमारा प्रधानमंत्री इतना गद्दार और बहादुर बना खड़ा है, मारे जामे और बेटे उनके कत्ल करवा दिए, चाहे हम पाकिस्तान के हैं चाहे हिंदुस्तान के हैं, लेकिन हमारा एक टारगेट पक्का है बेटा, हमारा धरना जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी मेरे हिसाब से तो मैं उठन का नाम को नहीं ले, हम डटे रहेंगे दंगल में, चाहे हमारी बेशक दोनों यूनियन की धरना को नहीं, हमारी हड़ताल है जम्मा पक्की। ये जो हमने स्टेट का या हमारी केंद्र वाली कमेटी का जो हमने बेटा वो प्रोग्राम में लेंगे, हम डट के ना करेंगे, सरकार का मुकाबला करेंगे, मैं तो यू है तू हम बाजा को नहीं बजाएंगे की तरफ तक कोई हमारी सुनाई नहीं बेटा नहीं सुनाई करते नहीं, इतना अरे तो उठ देखो प्रशासन जाने नुए बेकली सी बैठे हो रहे उठ जमेंगी, ये है नहीं, ये बेटा शेर है शेर उठे को नहीं, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है ये गद्दार को नहीं।